चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस में आखिर क्यों मचा है बवाल? आखिर राहुल गांधी के निशाने पर क्यों आए कमलनाथ? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। इस बार नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ही राहुल गांधी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 20 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया था, जिसमें से शहडोल जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। कमलनाथ ने अपने जिस पसंदीदा शख्स सुभाष गुप्ता को शहडोल कांग्रेस की कमान सौंपी है, उन्हें 2017 में नगरपालिका चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करने पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव होने के बाद कमल गुट का होने के कारण सुभाष गुप्ता को शहडोल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जिसकी शिकायत राहुल गांधी से की गई है। इसकी शिकायत मिलते ही जांच करने एक राष्ट्रीय टीम पहुंची है। खबरों की माने तो जांच टीम के सदस्यों ने शहडोल के सर्किट हाउस में बंद कमरे के भीतर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रायशुमारी की। इस दौरान निजता का पूरा ध्यान रखते हुए बंद कमरे में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान ज्यादातर प्रदेश स्तर के नेताओं ने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर असंतोष जाहिर किया है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि 90% शिकायतों को ही पाया गया। इसकी रिपोर्ट सीधे राहुल गांधी को दी जाएगी। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो खुद कमलनाथ को सुभाष गुप्ता के निष्कासन की पूरी जानकारी नहीं थी, उन्हें भी गुमराह करके लिस्ट जारी करवा दी गई है। बहरहाल नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपनी टीम की पहली लिस्ट जारी करके बैकफुट पर चले गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।